48,100, यही एक लेवल है जहां पर एक इंडेक्स ने प्रीवियसली भी इसी लेवल में, आप जैसे देख सकते हैं, यहां पर इसी कंसोलिडेशन में स्टॉक इंडेक्स ट्रेड कर रहा था और यही कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करते ही आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला है। Hello guys, welcome back to our channel. Today's video is related to the bank Nifty. As we all know, हर हफ्ते के एक वेडनेसडे को, बुधवार के दिन, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। तो कल के एक्सपायरी के हिसाब से आज का जो वीडियो है वो एक कल के एक्सपायरी के दिन हम क्या मोमेंटम का बेनिफिट ले सकते हैं, इन विच वेज वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द मोमेंटम, whether it might be in the form of option buying या फिर एक ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कल की एक्सपायरी का बेनिफिट ले सकते हैं, जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर रहना। और एक वही एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक एनालिसिस है, हम उसकी शुरुआत करते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा और एक बैंक निफ्टी का ग्राफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 50 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो पिछले दो तीन दिन से आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक जो मार्केट मोमेंटम जो दे रहा है, ओके, एक क्लोजिंग के वक्त आप देख सकते हो पिछले गुरुवार को, ओके, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024, एक पिछले हफ्ते जो एक लास्ट एक्सपायरी थी अप्रैल 2024 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा अपसाइड रैली दी, बट एक यही एक मोमेंटम नहीं टिका पाया स्टॉक और इस इंडेक्स, और इसी वजह से आप देख सकते हो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो गैप अप ओपन जरूर किया था मार्केट ने ऑन द फ्राइडे इटसेल्फ, बट फिर से एक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चला गया। इवन यू कैन सी यस्टरडेज डे एंड टुडे, कल के और आज के दिन भी मार्केट एक गैप अप जरूर ले रहा है, बट एक वो हायर लेवल नहीं सस्टेन कर पा रहा है और डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक चले आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक आप एक्सपेक्टेशन ले सकते हो मोमेंटम की, कि एक ब्रॉडर व्यू में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो इसी लेवल से एक जो मार्केट ने अपसाइड लिया है, एक टोटल जो कंटिन्यूस शार्प रैली जो स्टॉक ने दी है, फिर से इसी लेवल में ही स्टॉक आया है, इसी एक मोमेंटम में ही या फिर इसी एक सपोर्ट लेवल में ही स्टॉक फिर से ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक शार्प रैली आपको जरूर एक शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन में ही आपको एक मोमेंटम एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, ओके, बट एक लॉन्ग ड्यूरेशन से अगर देखा जाए तो फिर से स्टॉक वही इंडेक्स वही एक रेंज में वही एक कंसोलिडेशन में स्टॉक इंडेक्स आया है। तो कल के दिन फॉर द टुडेज डे एज वेल एज फॉर टुमारो, तो आज और कल के दिन ऑब्वियसली आपको एक फिर से इसी लेवल से रिवर्सल एक्सपेक्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेशन आप रिवर्सल इस लेवल से कर सकते हो। 48,100 यही एक लेवल है जहां पर एक इंडेक्स ने प्रीवियसली भी इसी लेवल में, आप जैसे देख सकते हो यहां पर इसी कंसोलिडेशन में स्टॉक इंडेक्स ट्रेड कर रहा था और यही कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करते ही आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला है। तो ऑब्वियसली इस लेवल में इस जोन में फिर से इंडेक्स ने एंट्री ली है, तो यहां पर एक आपको एक अगर एंट्री करना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड टुमारो फॉर विच इज फॉर टुमारो, ओके, तो एक जरूर आपको एक ख्याल रखना है कि एक फॉर टुमारोज डे यू शुड बी एबल टू स्टे अवे फ्रॉम दिस जोन, ओके। ये जो एक जोन है मार्केट का जहां पर आपको एक यहां पर आपको एक दिखाई दे रहा है कि एक 48,600 का एक हाईएस्ट वैल्यू है, ओके, तो ये एक हाईएस्ट वैल्यू इस लेवल के ऊपर ही आपको एंटर करना है या फिर एक लोअर लेवल जो है 48,000 का, इसी एक लोअर लेवल से ही आपको एक ये दो जोन से ऊपर ही या फिर एक इसके नीचे ही मार्केट आते ही आपको मार्केट में एंटर करना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, ओके। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ट्रेड्स टुमारो, एज वी कैन सी कि एक जरूर एक हायर मोमेंटम भी स्टॉक इंडेक्स ने दिया है और एक लोअर लेवल भी दिया है, तो एक बेटर मोमेंटम आपको मिल सकता है अगर आपने यही एक दो लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना हो या फिर एक इसी एक हायर लेवल या फिर लोअर लेवल के नीचे इंडेक्स आते ही आपको एक स्पेसिफिक उसी ट्रेड में आपको एक एंटर करना है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है हमारे एक बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए। टुमारो डेफिनेटली देयर माइट बी अ गुड मोमेंटम, टुमारो मार्केट माइट गो इनटू एन साइडवेज, जैसे कि आप बैंक निफ्टी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है फ्रॉम लास्ट थर्सडे इटसेल्फ, आप देख सकते हो कि एक हायर हाई एक फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे और ट्यूजडे पिछले हफ्ते से ही आप देख सकते हो कि एक हायर हाई वैल्यू ही इंडेक्स बनाते आ रहा है, उसके बाद एक वही एक जो हायर मोमेंटम बनाए अगेन इट केम टू इट्स सपोर्ट लेवल, तो ऑब्वियसली एक साइडवेज में जरूर जाने के चांसेस है। साइडवेज का भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दे शुड हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर द रिस्पेक्टिव लेवल्स, एक 48,700 और 48,000, ये एक 700 पॉइंट्स की एक जो रैली है यही एक रैली को एक साइडवेज में या फिर एक ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा एक मोमेंटम है इस रेंज में। अगर ये रिस्पेक्टिव रेंज मार्केट ब्रेक करता है ऑब्वियसली वी नीड टू हैव अ गुड एग्जिट फ्रॉम दिस लेवल, ओके। तो ये एक क्विक ओवरव्यू हो गया है हमारे कल के ट्रेड्स के लिए फॉर द बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी फॉर एक्सपायरी। सो गाइज, दिस वॉज द क्विक ओवरव्यू फॉर आवर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और शॉर्ट्स के अपडेट के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो और मिलते हैं कल के वीडियो में।